प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल ए फॉर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल को, और ये टॉपिक आपको सभी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे एयर फोर्स का, नेवी का, एनडीए का और जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें आपका टेंजेंट नॉर्मल पूछा जाता है उसमें आपको हेल्प करेगा। और आपका ये टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक आपको बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। इवन आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं आप, यहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। इसमें सभी टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं इसका लेक्चर मैं इस वीडियो का दो लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 2 में भी आपको बचे हुए कुछ टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 1 टेंजेंट और नॉर्मल का। देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल का लेक्चर 1 में पहले हम समझेंगे कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कर्व, मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। इस कर्व को किसी भी पॉइंट से टच करता हुआ लाइन, इस किसी भी पॉइंट से टच करता हुआ लाइन ही उसको उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और उसी उसी पॉइंट पे या फिर कहीं और पॉइंट पे कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन है जो उस कर्व से 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, हम नॉर्मल कहते हैं। देखिए, इसके पीछे एक और कंसेप्ट है कि जरूरी नहीं है कि अगर देखिए अगर कोई पूछे टेंजेंट को डिफाइन किस तरह कहेंगे, देखिए टेंजेंट को डिफाइन करने का एक तरीका होता है कि कोई भी एक कॉर्ड हो, कोई भी एक बड़ा सा कॉर्ड हो, मान लीजिए कर्व है, ये कर्व है, इसको कॉर्ड हो, ये कॉर्ड इस कॉर्ड का एक ऐसा स्थिति आएगा या ऐसा अवस्था आएगा जिस समय ये कॉर्ड धीरे धीरे छोटा होते 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 ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, यानी कर्व के इस पॉइंट पे, मतलब लास्ट पॉइंट पे, जो कि उस कर्व को टच करते हुए जाएगा उस क्षण, उस पॉइंट को, और उस समय जो लाइन पास करता जाए करेगा उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि टेंजेंट हमेशा टच करते हुए ही जाता है, कट नहीं करता, ऐसा नहीं होता। देखिए, इसके पीछे भी लॉजिक है। हम जैसे हायर एग्जाम में, जैसे मान लीजिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे आपका जेई मेन्स हुआ, जेई एडवांस हुआ, वहाँ पे बहुत से टीचर लोग बताते भी हैं कि टेंजेंट हो, टेंजेंट जरूरी नहीं कि कट करते जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, आप उतना समय तो है नहीं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं, आप खुद से दिमाग लगा लीजिएगा। कोई कर्व वाई इक्वल टू जीरो हो और उस कर्व पे पूछे, उस कर्व पे हमको वाई इक्वल टू जीरो कर्व कोई दिया हो, या फिर कोई ये लाइन का इक्वेशन दिया हो और पूछे कि उस इस कर्व पे हमको बताइए कि टेंजेंट का इक्वेशन, तो x = 0 पे, तो आप पता कर लीजिएगा, देखिएगा वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आता है। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ते हैं टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल में ऊपर हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 x0 y0 टू द कर्व y = fx, fx y = fx इज क्या होता है। देखिए, तो आपको पता है कि कोई भी कर्व हमें दिया है, अगर fx y = fx, तो उस किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालने का तरीका होता है x y - y0 होता है इक्वल टू f डैश x यानी dy/dx इंटू x माइनस x0 होता है। ठीक है, इंटू x - x0। ठीक है, और देखिए, और ये dy/dx क्या होता है, इसका स्लोप होता है। स्लोप और टेंजेंट किससे निकालते हैं, कोई भी कर्व y को एफ एक्स दिया हो तो वहाँ पे dy/dx जो करते हैं हम, वो किसके बराबर आता है, टेन थीटा के बराबर आता है। वही वही f डैश x के बराबर आता है। ठीक है, वही f डैश x के बराबर आता है। और देखिए, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पूछता है कि सर आप इसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाएंगे हमारे इसी वीडियो में, आप देखिएगा आपको हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहले समझते जाइए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा ध्यान से समझिए। चलिए ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया आपको। इक्वेशन नॉर्मल क्या करते हैं, इक्वेशन नॉर्मल सेम उसी तरह करते हैं। देखिए, इसको याद करने से याद कीजिए, नहीं तो एक तरीका देखिए, सिंपली इसी तरह से कैसे निकालते हैं। देखिए, y - y0 क्या करेंगे हम, y - y0 = देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जिसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको। y - y0 स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप होता है, यहाँ क्या बोलता है, नॉर्मल का स्लोप होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/(1) स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, dy/dx था, तो क्या लिखेंगे, -1/(dy/dx) इंटू x - x0। ठीक है, बस यही करना है, और ये आपका इधर आएगा, इसको सिंप्लीफाई, ये आपका इधर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन बताते हैं अभी, आपको सब समझ में आएगा क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या होता है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है किस जगह पे, एट पॉइंट x = 2 पे। ठीक है, तो बताइए बताइए, देखिए हम बताते हैं आपको, पहले सीख लीजिए, इसके बाद अपने बहुत सारा क्वेश्चन किसी भी बुक से आप लगा के इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए किस तरह होता है, हम निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, dy/dx डिफ्रेंशिएट करते हैं कर्व का,
डी वाई बाई डी एक्स क्या जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी 3x² - 1, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम, एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है हमको, तो 3 × 2² - 1 यानी 3 × 2² - 1 यानी 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पूछ देता, और मान लीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता तो क्या करते, डी वाई डी एक्स का स्लोप कितना आया था, 11 आया था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/dy/dx यानी -1/11 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, टू द गिवन कर्व इंडिकेटेड पॉइंट, इस पॉइंट पे दिया, इस पॉइंट पे, इस कर्व पे हमको टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, डी वाई डी एक्स निकालेंगे क्या होगा, 3x² - 2 हो जाएगा, और हमको डी वाई डी एक्स किस जगह पर निकालना है, 1,6 में निकालना है, 1,6 में क्या निकलेगा, 3 × 1² - 2 यानी 3 - 2 = 1 यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे बताया था आपको y - y0 यानी y - y0 यहाँ पे क्या है, 1,6 है, यानी y माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू y0। f' क्या है, स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा, इंटू x - x0 क्या है, x0 क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y - 6 = x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको किस तरह करेंगे, फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे, y - 6 = x - 1 और ये इधर आ गया, तो क्या होगा, एक्स इसको इधर ले जाते हैं, x - y + 5 = 0 हो जाएगा, x - 5y = 5 = क्या हो जाएगा, गलती लिख दी हम, इधर ला रहे हैं ना इसको, तो x - y हो जाएगा, x - y + 5 = 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या पता चला, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चला, अब इक्वेशन नॉर्मल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन नॉर्मल निकालने का तरीका होता है y - y1 = -1/(slope of tangent) × x - x0, यही करते थे ना, ठीक है। तो देखिए y0 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था यहाँ से हमको 1 आया था, तो इसको इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/(1)×x - 1 यानी y - 6 = -x + 1 हो जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y x + y - 7 = 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व, इतना इस कर्व पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका 2 × sin 2x + cot x + 2, तो इसको इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करें तो आता होगा ना, फिर इसको फंक्शन मान के डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 × cos 2x + cot x का क्या हो जाएगा, cos x² x, वो भी माइनस में, और 2 का तो क्या होगा, 2 का तो 0 ही होगा ना, 2 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालना है, कहाँ पे, π/2 पे निकालना है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, π/2 अगर यहाँ डालते हैं तो 2 × π/2 क्या हो जाएगा, sin π 0 हो जाएगा, cot π भी 0 होता है, +2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × cos π/2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 × नहीं, यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, cos x² x माइनस में था, तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos x² x के जगह पे आप π/2 डालते हैं तो sin π 1 होता है, तो cos x² 1 ही होगा ना, π/2 क्या, sin π/2 1 होता है, cos x² 2 भी 1 ही होगा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने क्या हो जाएगा, ऊपर से आएगा 4 2 × 4 और ये इंटू में -1 -2 -1 यानी -3 यानी क्या कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है, -12 आ जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिखा नहीं पा रहा है, इक्वेशन नॉर्मल किस तरह निकालेंगे, y - y1 करते हैं, y - y0 करते हैं, −1/(slope of normal), स्लोप ऑफ टेंजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -12 है, तो -12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू x - x0 करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे,
एक और चीज़ बताना चाहते हैं आपको, देखिए एक्स बार पाई बाई टू डाल रहा है, तो इस फंक्शन में जब पाई बाई टू डालेंगे ना पूरे फंक्शन में, तो वाई का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है हमको 4 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। देखिए तो आपको पॉइंट पता चल गया कहाँ पे निकालना है आपको, पाई बाई टू कॉमा 4 पे इक्वेशन निकालना है, पाई बाई टू कॉमा 4 पे, ठीक है। तो वाई माइनस ये वाई नॉट क्या हो गया, वाई नॉट हो गया आपका 4 इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/12 हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई टू। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर इक्वेशन नॉर्मल निकल जाएगा। और अब लिख देते हैं इसका आंसर क्या हुआ, 2i-24y+96-5 इक्वल टू 0, यही इसका होगा, ठीक है। देखिए अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस पॉइंट पे इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व यहाँ जो पैरेलल टू द लाइन रहता है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन का इसको कैसे निकालते हैं आपको, देखिए अगर कोई भी इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया हो और यहाँ से आपको स्लोप निकालना हो तो किस तरह कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा आप, x²+3y-3 इधर ले लीजिए इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से आपको अगर dy/dx निकालना पड़े तो लिखिएगा माइनस में, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए तो या कॉपी में नोट कर लीजिए, माइनस बाहर लगाइएगा और ऊपर क्या लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। बस यही लगाना है यहाँ पे, तो करते हैं देखिए, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने क्या होगा, 2x हो जाएगा ऊपर, और ये तो 0, इसका भी 0, ये भी 0, यानी 2x ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो यहाँ तो कोई y है नहीं, तो इसका कॉन्स्टेंट माना जाएगा इसको, ये भी 0, ये भी 0, नीचे क्या हो जाएगा 3, यानी -2x/3, ठीक है। तो dy/dx क्या है, -2x/3, और क्या कहा जा रहा है, ये इसका जो नो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, यानी यानी इसका जो स्लोप होगा वो इसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, बराबर होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, वाई इक्वल टू 4x-5, इसका स्लोप क्या होता है, वाई इक्वल टू mx+c से, यही 4 स्लोप होता है इसका। तो हम -2x/3 को 4 के बराबर करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा। और हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है, तो इक्वेशन टेंजेंट किससे निकालते हैं, y-y0 = f(x)(x-x0), यही करते हैं ना, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, y-y0 का वैल्यू क्या है, y0 का वैल्यू दिया है आपका, ये दिया है और ये दिया है आपको, देखिए यहाँ से x का वैल्यू जब -6 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालिएगा x जगह पे, 6 का -6 का एक्स यानी 36 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 36 में 3 गया 33, और 33 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है, -11 आ जाएगा। तो आपको y का वैल्यू कितना आ गया, y0 का वैल्यू --11 यानी +11 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना है, -6 है इंटू एक्स माइनस, और -6 है यानी +6 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका आ जाएगा वैल्यू 4x-y+13=0, ठीक है। और इसको निकालिए, फाइंड दी पॉइंट ऑन द सर्किल इतना एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y(x-11) y=x-11, आपको यहाँ पे बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्किल, उस सर्किल पर पॉइंट बताइए, यानी इस सर्किल पे उस पॉइंट को बताइए, किस पॉइंट को जहाँ पे ये टेंजेंट खींचा गया है उस पॉइंट को। तो क्या सिंपली करना है, कुछ नहीं करना, देखिए आप dy/dx निकालिए, सबसे पहले dy/dx निकालिए तो क्या हो जाएगा, 3x²-11, इसको करेंगे तो 3x²-11 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्लोप किसके बराबर है, इसके बराबर होगा यानी 1 के बराबर होगा, 3x²=12 हो जाएगा, x²=4 हो जाएगा, तो x को क्या हो गया, +-2 हो गया, ठीक है। तो अब वेन जब x इक्वल टू 2 रहा, ठीक है, वेन जब x इक्वल टू -2 रहा, ठीक है, जब x इक्वल टू 2 रहा तो इस इक्वेशन में 2 डालेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 का क्यूब -11 × 2 क्या है, +5 है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13-22 = -9, जब x इक्वल टू -2 है तो y = -2 का क्यूब -11 × -2 + 5, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, 19 आ जाएगा, कर लीजिएगा सिंप्लीफाई। देखिए तो आपको पॉइंट कितना निकला, देयरफॉर पॉइंट्स आर कितना हो जाएगा, 2, -9 and -19 है, सॉरी -2, -19, ठीक है, यही इसका
पॉइंट आ जाएगा, यानी इसी पॉइंट पे उस टेंजेंट को खींचा जाएगा। अभी अब पूछेगा दो पॉइंट कहाँ से आ रहा है, दो पॉइंट आ रहा है इवन कि इस ऐसा होगा कि इस कर्व जो होगा ना इस टाइप का होगा, इस तरह खींचा गया होगा, यानी ये दोनों टेंजेंट ये मतलब ये टच नहीं कर रहा होगा, इसको अंदर कट नहीं कर रहा होगा, टच करके जा रहा होगा। तो मतलब दो पॉइंट दर्शा रहा है कि जो ये जो टेंजेंट होगा ना आपस में पैरेलल होगा, आपस में पैरेलल होगा तभी दो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए -9 19 आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आप हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 से, टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 2, जिसमें आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और करवाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगले वीडियो में जरूर अच्छा अच्छा आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इससे भी बेटर बेटर क्वेश्चन, सब जो क्वेश्चन टाइप का कुछ कुछ टाइप का क्वेश्चन छूट गया हुआ है उस सब क्वेश्चन को हम करवा देंगे। और आप ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, आपको जाहिर है आपको बहुत फायदा होगा इस क्वेश्चन सब करने के बाद। कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, या फिर कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर आपका कोई बोर्ड का एग्जाम हो, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके लिए बता रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको ना छूटे। फिर ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।